पेन किलर नहीं है। हम लोग बोलते हैं उसको दर्द बहुत है, उसको पेन अवे देना है, पेन अवे दर्द के लिए है ही नहीं। आपको समझना पड़ेगा, कई बोलते मैंने उसको पेन अवे दे रहा, उसको फायदा नहीं कर रहा, जोड़ो में पेन अवे टैबलेट आज इस मंथ से बताऊंगा दर्द के लिए है ही नहीं। पेन अवे आपको बेसिकली दो चीज में काम आता है, क्योंकि हमारे जोड़ों को देखो आप शुरुआत से अभी तक बात कर रहे हैं कि आज आईएफसी बचाव के क्षेत्र में काम कर रही है और हमारा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस। आज हम लोग सब यहां पे स्वस्थ बैठे हुए, हमारी जॉइंट्स हमारी हड्डियां बहुत फ्लेक्सिबल है, हम बैठ सकते हैं, हम उठ सकते हैं, यानी कि इसको अब टाइम आ गया है मेंटेन करने को। तो जोड़ों की मेंटेनेंस करने का मतलब है जोड़ों में दो चीज का ख्याल रखना है। अगर मैं बोलूं मेरे यहां जोड़ों मेरे को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने का मतलब मुझे जोड़ों में दो चीज पे काम करना है। पहला, दो हड्डियां आपस में ना टकराए, इसके लिए वहां पे एक पतली सी शीट बनी होती है जिसको कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। और दूसरी चीज जो यहां पे आपको लचीलापन देता है उसके अंदर देखो ग्रीस, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, SYNOVIAL, साइनोवियल फ्लूइड। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जोड़ों की कंडीशन टिप टॉप रहे तो मुझे कार्टिलेज पे ध्यान देना है और साइनोवियल फ्लूइड पे काम करना है। तो आपका पेन अवे टैबलेट इन दोनों चीजों पे ही काम करता है। तो अगर आपको कोई बताना है कि आपका पेन अवे क्या काम करता है तो आपको बोलना है कार्टिलेज रीजनरेटर एंड साइनोवियल फ्लूइड स्टेबिलाइजर, है ना, कार्टिलेज रीजनरेटर और साइनोवियल फ्लूइड स्टेबिलाइजर, ये दो पे पेन अवे। तो दर्द के लिए कौन सी दवा है आईएमसी में बेस्ट, पता है आपको दर्द के लिए कौन सा है? दर्द के लिए जो नंबर वन प्रोडक्ट है आईएमसी में, हाजी नोनी, नोनी, नोनी इज अ ट्री ऑफ पेन किलर्स। अगर कोई मरीज आपको बोलता है कि मेरे को दर्द बहुत है, अगर किसी कैंसर पेशेंट्स को भी आप देखते हो ना, कैंसर पेशेंट्स को एक ही चीज सताती है दर्द, बाकी कैंसर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता। कितने भी कैंसर मरीज को देखो वो आराम से चलता फिरता घूम रहा है सब कुछ कर रहा है, उसको एक ही चीज प्रॉब्लम देती है दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, आर्थराइटिस, गाउट, सब में एक चीज कॉमन है पेन। और जब आपको मरीज आता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द से राहत दिलवाइए, तो दर्द से राहत दिलवाने के लिए पेन अवे काम नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? नोनी, नोनी इज अ ट्री ऑफ पेन किलर्स। आठवां अजूबा दुनिया का नोनी को कहा गया है, आठवां अजूबा, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड किताब आती है नोनी, दुनिया का आठवां अजूबा, वो इसीलिए उसको आठवां अजूबा कहते हैं, मिरेकुलस प्लांट। कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है, कैंसर के लिए नंबर वन फ्रूट है, आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे नोनी पहला आएगा, फ्रूट फॉर कैंसर, एंटी कैंसर, तो इतना शानदार है नोनी फ्रूट। तो आप लोग जब भी किसी को जोड़ों के दर्द, घुटनों की तकलीफ, स्पॉन्डिलाइटिस या जनरल दर्द, तो नोनी सबसे पहला प्रोडक्ट है जो आपके आंखों के सामने आना चाहिए, राइट? तो नोनी इज अ ट्री ऑफ पेन किलर्स, राइट? सेकेंड, उसका यूएसपी एंटी कैंसर, क्योंकि एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है उसमें। नोनी में आपको सिर्फ एक चीज प्रिकॉशन का बताता हूं, प्रिकॉशन यानी कि सावधानी, ब्लड प्रेशर में जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेंशन, जिनको भी ये हाई ब्लड प्रेशर है उनको नोनी और मोरिंगा नहीं देना है। हाई बीपी में मोरिंगा और नोनी नहीं देना है। रीजन, अगर कोई आपको पूछता है कि क्यों नहीं देना भाई, फ्रूट है, फ्रूट क्यों नहीं देना, आपको समझना पड़ेगा कि जिनको भी हाई बीपी की तकलीफ रहती है, डॉक्टर उनको अक्सर बोलते हैं नमक कम करिए, नमक बंद कर दीजिए खाने में से। नमक को कहते हैं सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम। नोनी और मोरिंगा में सोडियम की मात्रा भरपूर है,
इसीलिए इसको नहीं दिया जा सकता। मोरिंगा को प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं दे सकते। अगेन मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, यदि उस गर्भवती महिला को दिया एबॉर्शन हो सकता है। स्पिरुलिना को किडनी फेलियर में नहीं दिया जा सकता। किडनी जिनकी फेल है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, उनको डॉक्टर प्रोटीन मना करते हैं, प्रोटीन नहीं देना है। और स्पिरुलिना इस धरती पे टॉप 3 प्रोडक्ट में से जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है। यानी कि अगर आपके पास कोई मरीज आता है कि मेरे पास डायलिसिस है, मेरे बाबूजी की किडनी फेल हो गई है, स्पिरुलिना गलती से भी नहीं देना। एलोवेरा भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना। एलोवेरा प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना क्योंकि उसके अंदर जैसे आपने क्या कहा, सर्विसिंग। अब सर्विसिंग का मतलब क्या होता है कि वो अंदर कचरा, अब कचरा ज्यादातर कहां होता है, हमारी आंतों पे। कचरा कहां चिपका होता है, आंतों पे। तो जब एलोवेरा हम लोग लेते हैं, एलोवेरा क्या करता है, सीधा अंदर जाके आंतों से जितना भी चिपका हुआ कचरा है वो खींच के निकालता है। अब खींचने में मरोड़ आ सकती है, और प्रेग्नेंट लेडीज को पता ही है मरोड़ आने का मतलब, यानी कि एलोवेरा को प्रेग्नेंट लेडीज को देना नहीं है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद मोरिंगा पहला प्रोडक्ट देना है, तो उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। यानी कि अगर कोई लेडी है आपको बोलती है कि अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई है लेकिन बच्चा भूखा रह जाता है, उसको दूध उतना नहीं प्रोडक्शन हो पाता, मोरिंगा टैबलेट बहुत ही शानदार, राइट। टोंगा जेली